हाय एवरीवन, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज खाना बनाने से पहले जब मैंने सबसे पूछा कि क्या बनाएं खाने में, मतलब पूछा क्या बताया, क्योंकि हफ्ते का अंत चल रहा है और सब्जियां ऑलमोस्ट ख़त्म है। हफ्ते में एक बार सब्जी आती है सैटरडे और संडे को, तो सब्जियां ख़त्म थी ऑलमोस्ट, खाली तरोई पड़ी थी। मैंने कहा तरोई पड़ी है, अब सबकी शक्लें तो ऐसी देखने वाली हो गई तरोई का नाम सुन के कि पता नहीं मैंने कौन से अनोखे जहर का नाम ले लिया है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि नहीं हम खाएंगे नहीं। तो हमने कहा कि चलो भैया, सबकी शक्लें तो बता रही हैं कि 12 बजे हुए हैं, लेकिन सबने कहा हाँ बना दो इस तरह से। तो सोचा कुछ ऐसा बनाते हैं कि सब खा भी लें और तरोई जो है वो भी कंज्यूम हो जाए। एक्चुअली जब सीज़न ये जाने लगता है ना गर्मी का, तो फिर गर्मी की सब्ज़ी अजीब सी लगने भी लगती है, तरोई वरोई फिर अब नहीं अच्छा लगता है खाते हुए, मुझे खुद को नहीं पसंद आती है। तो फिर चलो शुरू कर दिया मैंने अपना कार्यक्रम। तो सोचा आलू के पराठे बना लेते हैं, तो आलू के पराठे के लिए आलू वालू उबाल लिया था हमने और कद्दूकस कर लिया। तो कद्दूकस करने से ना क्या हो जाता है कि एक भी गांठ नहीं रहती। अगर आप नए हो और आपको ये शिकायत है कि आपका आलू का पराठा फट जाता है, तो भी आप कद्दूकस के कर करके बनाओगे ना, कद्दूकस करके, तो आपका पराठा कभी नहीं फटेगा। क्योंकि हम स्टार्टिंग में पता है हम आलू का पराठा नहीं बनाते थे क्योंकि हमसे बहुत फटता था, बट दो तीन ट्रिक्स अपनाई तो आलू का पराठा मेरा अभी परफेक्ट बनता है। तो आलू का पराठा मैंने सारा कुछ, आलू का जो सामान था वो सारा कुछ अपना फिक्स कर लिया, उबाल उबाल के सब मैश कर लिया। ज़्यादा मसाले नहीं डाले, बहुत ही हल्के मसाले, बहुत ही लाइट। वैसे तो बेसिकली अगर हमें पूछा जाए तो हमें जो आलू के पराठे हैं सिर्फ हरी धनिया और हरी मिर्च नमक वाले अच्छे लगते हैं, हमें ज़्यादा मसाला मसाला डाल के और बहुत कलहार कुलूर के जो बनता है ना वो आलू का पराठा मज़ा नहीं आता है। और साथ में जो तरोई की सब्ज़ी थी फिर वो हमने मसाले वाली कुकर में वही बनाई, बहुत हल्के मसाले डाल के ये सब्ज़ी बनाई है हमने, ज़्यादा मसाले नहीं है, धनिया मिर्ची और हल्दी बस है इसमें और कुछ नहीं है, तेल नमक अपना जो पड़ता है, गरम मसाला भी नहीं डाला है हमने इसमें और बना दिया है। बस ये है कि तरोई के साथ दो आलू जो है जो उबले हुए थे वो साथ में मैश कर दिए हैं। अब रसे वाली सब्ज़ी के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, रसे वाली सब्ज़ी मेरे घर में सब खा लेते हैं, डूब डूब के खाएंगे उसमें, लोग को अच्छा लगता है रसे वाली सब्ज़ी सब खा लेते हैं, थोड़ी सी जो ग्रेवी होती है। तो आलू के पराठे ऑलमोस्ट मेरे जो हैं वो तैयार हो गए हैं, यहाँ पे सेक लेते हैं एक दो, क्रिस्पी क्रिस्पी से बढ़िया दोनों तरफ से सेक के मज़ेदार कुरकुरे पराठे मेरे रेडी हैं शाम का डिनर। और ये हमारी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, हल्के मसाले डाल के बनाओ ना तब भी बहुत ही यम लगती है सब्ज़ी, कभी ट्राई करना। बस अगर आपके पास अगर खटाई हो ना अलग से, वो जो आती है साबुत वाली आम की बनती है, वो ज़रूर डाल देना इसमें, थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है। साथ में मैंने दही रख लिया है और ये यमी।